एमसीबी को के अंदर हमारे क्या क्या चीज होती है, मैग्नेटिक हैमर, इसमें क्या होता है एक स्विच पत्ती लगी होती है और उसके अंदर क्या होता है, जब भी हम इसको 220 वोल्ट देते हैं तो जब वो पत्ती आपस में अटैच होती है तभी वो वोल्टेज आके इंक्रीज करती है और वाइज इसको रिपीट कर देती है। अगर इसके अंदर लोड के हिसाब से जो हमारी एमसीबी रखती है अगर लोड से ज्यादा इसके अंदर डाल जाएगी अपडेट जाएंगे तो वो क्या करेगी, इसको फिटिंग कर देगी वही का वही, ताकि आगे जो प्रोडक्ट लगा हुआ है वो किसी भी तरह की उसमें कोई खराबी ना आए। टाइप ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट चुंबक, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्राकृतिक। प्राकृतिक में आते आते हैं जो हम स्पीकर वगैरह के लिए यूज करते हैं। मैग्नेट में क्या होता है, हमने किसी लोहे के स्लॉट के ऊपर एक वायर का रोल किया और उसमें से 220 न्यूटन और प्लस भी, तो उसके अंदर क्या होती है एक मैग्नेटिक फील्ड होती है पैदा होती है जिसको कहते हैं चुंबक, एम्पियर करंट, उसको कहते हैं चुंबक। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था कि एक लोहे की स्लॉट लो और उसके ऊपर कॉपर की वायर को रोल कर दो और उसके अंदर से 220 वोल्ट को बुझा दो, जैसे ही आप उसके अंदर 220 वोल्ट को बुझा दो तो उसके अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी करंट का, वो क्या करेगा किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। जब हम किसी भी लोहे की स्लॉट के ऊपर वायर को रोल करते हैं और उसके अंदर से 220 वोल्ट गुजरते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। वो क्या करती है, जैसे हमारी जो रिले है वो इसी आधार पे काम करती है, हमारा जो फैन है वो भी इसी आधार पे काम करता है, क्योंकि फैन के अंदर क्या करते हैं, हम एक लोहे की स्लॉट में करते हैं उसके ऊपर वायर को रोल कर देते हैं और जब भी हम इसके अंदर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो वो क्या करता है, एक मैग्नेट बनता है और उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। कॉमन यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट, इसमें क्या होता है, जो रिले लगी होती है उसके अंदर भी एक लोहे की स्लॉट के अंदर वायर को रोल किया होता है जिसके अंदर हम 220 वोल्ट देते हैं तो वो क्या करती है, स्विच का काम करती है, जब भी उसको वोल्टेज मिलती है नॉर्मल फेस मिलता है तो वो क्या करेगी, उसमें वोल्टेज पैदा कर देगी और जिससे कि वो आपका जो बेसिक करंट है वो आगे स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर जो आपका प्रोडक्ट लगा हुआ है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन विंडो एयर कंडीशनर, आपने एक विंडो एसी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, फर्स्ट आपका इंस्टेक्ट लोकेशन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे लोकेशन, भी जहाँ पे भी आपने विंडो एसी लगाना है वहाँ की लोकेशन कैसी है, भी जिस रूम के अंदर आपने एसी लगाना है वहाँ पे प्रॉपर विंडो बना हुआ है, उसके पीछे का स्पेस सही है, वहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर आ रही है या वायरिंग का सब जो सारी फिटिंग वगैरह है वो प्रॉपरली है या नहीं है, तो फर्स्ट क्या होगा इंस्पेक्ट लोकेशन, लोकेशन में हम क्या देखेंगे, जहाँ पे आपने विंडो एसी लगाना है वहाँ पे जो विंडो बनी हुई है वो प्रॉपर है या नहीं है, अगर नहीं है तो वहाँ पे आपने सबसे पहले विंडो कटिंग करके वहाँ पे इसका साइज का वो बनवाना है। रिमूव ग्रिल, आपने क्या करना है, जो लोहे की ग्रिल लगी हुई है उसको रिमूव करो। टेक मेजरमेंट ऑफ आउटलेट कैबिनेट, और एसी का जो आपका विंडो एसी है उसमें से आपकी जो आउटलेट कैबिनेट है उसको अलग कर लो। बैक एंड टेरेस वुडन फ्रेम, जो आपका वुडन फ्रेम है आप उसको प्रॉपर फिक्स कर लो। ग्रिल फॉल्स एंड फिक्स वुडन फ्रेम, जो आपके ग्रिल के साथ फॉल करके जो आपका लकड़ी का जो फ्रेम है उसको आप प्रॉपर फिक्स कर लो ताकि वो आपकी कैबिनेट के वजह से आपके एसी के वजह से हिले ना। साइड कैबिनेट इनटू द वुडन फ्रेम, उसके बाद में जो आपका कैबिनेट है उसको आप विंडो के अंदर फिक्स कर लो। फिक्स कैबिनेट टू फ्रेम विथ स्क्रू, और इसके अंदर आप स्क्रू ड्राइवर से नट लगाओ ताकि वो आपका जो कैबिनेट है अंदर बाहर ना निकले। साइड में एसी इनटू द कैबिनेट, उसके बाद में आप एसी को उसके अंदर फिक्स करो। फिक्स फ्रंट कवर, उसके बाद में आप इसका जो फिक्स कवर है, जो फ्रंट कवर है
जो फील्ड है उसको आप लगाओ, बैक द इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन, उसके बाद में आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन करो, जिसमें आप आपकी जो रेड लाइन है वो लाइन है जो ब्लू है वो न्यूट्रल है और जो ग्रीन है वो रहेगी आपकी अर्थिंग, उसके बाद में आपके लगेगा ये जो रिएक्शन है ये आपके स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर के बाद में एमसीबी, एमसीबी से सीधा मेन के साथ। उसके बाद में आता है कि आपने एक विंडो एसी लगा दिया लेकिन कस्टमर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं कि आपने जो विंडो एसी लगाया वो प्रॉपर आपका वर्क नहीं कर रहा, लेकिन आपने जब भी उस एसी को चेक किया तो आपको लगता है आपने ये प्रॉपर सेटिस्फाइड किया कि एसी आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो उस कस्टमर को आप कैसे सेटिस्फाइड करोगे कि वो एसी जो आपका लगा हुआ है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कस्टमर के घर जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कस्टमर की जो लोकेशन है उसको चेक करेंगे कि जहां पे भी आपने विंडो एसी लगाया वो हर एक तरीके से जो उसकी कंपैक्ट लोकेशन है उसके हिसाब से वो प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं है, वहां पे वोल्टेज प्रॉपर आ रही है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या चीज चेक करेंगे कि जो आपका एसी लगा हुआ है वो कितने टन का है और कितने एम्पीयर ले रहा है, अगर एक टन का है तो वो 5 से 6 एम्पीयर लेगा, अगर डेढ़ टन का है तो 8 से 9.5 एम्पीयर तक चलेगा, डिपेंड ऑन वोल्टेज, 2 टन का है तो 9 से 11.8 एम्पीयर तक जाएगा, चेक द आउटसाइड कैबिनेट टेम्परेचर। तो उसके बाद में हम क्या चीज चेक करेंगे वहां का टेम्परेचर कितना है, चेक द रिटर्न टेम्परेचर, कि सबसे पहले चेक करेंगे कि रूम का टेम्परेचर क्या है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कॉइल टेम्परेचर जो एसी के अंदर से हवा आ रही है कितना है, चेक ग्रिल टेम्परेचर कि ग्रिल के अंदर से जो ठंडी हवा आ रही है वो कितने टेम्परेचर की है, डिफरेंस ऑन T1 और T2, सपोज करो आपके रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है और आपकी जो कूलिंग टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है, तो अगर इसके दोनों के अंदर 10 डिग्री का डिफरेंस है तो आपका एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट टाइप द यूनिट ऑफ सूट टॉप, इसमें क्या चीज चेक करते हैं कि जो आपने एसी की कैबिनेट को फिट किया है कि उसका जो झुकाव है वो पीछे की तरफ कितना है और उसमें कितना स्पेस है, उसमें आपका 3 mm तक रहेगा और बैक साइड में जो स्पेस रहेगा आपका कम से कम 2 मीटर, कम से कम 6 फुट के करीब, अगर उससे कम रहेगा तो आपका एसी बार बार ट्रिप करेगा जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होगी और आपका एसी भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इंस्टॉलेशन विंडो एयर कंडीशनर, द कूलिंग विल रिड्यूस, अगर आपके एसी प्रॉपर सही तरीके से नहीं लगा तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, द कूलिंग विल रिड्यूस, आपका जो एसी है वो प्रॉपर से कूलिंग नहीं करेगा, मशीन माइट ट्रिपिंग, वो बार बार ट्रिप करता रहेगा, उसके अंदर जो कंप्रेसर लगा है वो क्या करेगा बार बार ट्रिपिंग करेगा, मशीन विल ड्रा हाई करंट और वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, मशीन हेड प्रेशर भी इंक्रीज, और जो मशीन का प्रेशर है हेड प्रेशर है जो कंप्रेसर का जो हीट प्रेशर है वो क्या करेगा बार बार बढ़ेगा, मशीन लाइफ भी रिड्यूस, जो मशीन की लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। इंस्टॉलेशन सेपरेट एसी एयर कंडीशनर, अगर आपने एक सेपरेट एसी लगाना तो उसके लिए आप क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट रहेगी और उसके लिए आप क्या क्या इक्विपमेंट यूज होंगे, फर्स्ट आपका अनपैक द यूनिट, सबसे पहले आप क्या करोगे जो आपका पैकिंग है उसको आप ओपन करोगे, कवर हाउस होल्ड बुक विद पीवीसी शीट, आप सभी सामान को वहां पे रखें जो रूम के अंदर जितने भी सामान रखे सभी को आप किसी न किसी पीवीसी या कपड़े से कवर करोगे ताकि उसके ऊपर डस्ट वगैरह ना जाए, चेक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, उसके बाद में आप जहाँ पे आपका एसी रखना है वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन चेक करोगे कि वहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज आ रही है और जो एसी की कनेक्शन के हिसाब से वहाँ पे जो वायरिंग है जिसकी हमें जरूरत है वो प्रॉपर है या नहीं है। मेक द होल पोजीशन ऑन द वॉल फॉर द डेप्थ टू दैट द 3 इंच एसी डेप्थ स्लोप कवर्ड द होल्स फॉर ड्रेन पाइप टू द सबमिट लेवल,
सर्किट लेवल से हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो कि हम एसी जहां पे हमने सेपरेट एसी लगाना वहां पे जो स्टैंड लगाएंगे उसका जो लेवल है वो प्रॉपर सही है, कहीं से झुका हुआ तो नहीं है। अगर झुका हुआ होगा तो क्या होगा कि उसमें से बार-बार ड्रेन की प्रॉब्लम आएगी, उसमें से पानी की समस्या आती रहेगी। तो हम जब भी सेपरेट एसी को इंस्टॉल करें तो उसका जो लेवल है वो प्रॉपर पैक करके ताकि इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत ना आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैबिनेट को फिट करेंगे, स्टैंड जो इंडोर स्टैंड है उसको हम दीवार पे वॉल माउंट करेंगे। दीवार के ऊपर जो होल करेंगे उसको हम पीछे की तरफ से झुका हुआ रखेंगे ताकि उसमें से प्रॉपर वेस्टेज पानी निकल सके। Take the tube that come with the ODU और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो इंडोर और आउटडोर के साथ जो कॉपर ट्यूब अटैच होती है उसको हम ज्वाइन करेंगे इनसाइड द ट्यूब ट्यूब का होल। उसके बाद में हम जो कॉपर ट्यूब है उसको होल से बाहर की तरफ निकालेंगे टू द ODU मॉस्टिंग टैंक और उसको हम मॉस्टिंग टैंक से कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर मॉस्टर का पानी रूम के अंदर ना आए। अनस्टैक द ODU उसके बाद में हम आउटडोर यूनिट को ओपन करेंगे। असेंबल द फ्रेम उसके बाद में हम टेबल स्टैंड पर इसको असेंबल करेंगे। फिक्स ODU फ्रेम और उसको हम फिक्स कर देंगे। स्टैंड द ट्यूब एज द रिक्वायर्ड उसके बाद में कॉपर ट्यूब पाइप लगाएंगे जितनी हमें जरूरत है, जितने हमें जरूरत है। कट ट्यूब एज रिक्वायर्ड और उसके बाद में हम ट्यूब को फिटिंग कर देंगे। बैंड ट्यूब एज रिक्वायर्ड और जहां से हमें बैंड की जरूरत पड़ेगी हम उसको वहां से बैंड भी करेंगे। इंसर्ट ट्यूब ट्यूब को प्रॉपर साफ करेंगे आगे से और इनके सिरों को मिलाएंगे। मेक द फ्लेयर उसके बाद में इसमें क्या फ्लेयरिंग नट डालेंगे और इसको फ्लेयर करेंगे ताकि हम इसको सेक्शन और डिस्चार्ज पाइप के साथ आपस में अटैच कर सके। नेक्स्ट द ट्यूब कनेक्शन उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे जो इसके फ्लेयर नट है उसको हम सेक्शन और डिस्चार्ज नट के साथ मिला के उसको प्रॉपर जॉइंट करेंगे। इंसर्ट केबल इन द फ्लेक्सिबल कनेक्टेड हम उसके बाद में इसकी जो वोल्टेज वायर है जो हमारी मेन वायर है जो ओडीयू को वोल्टेज इंक्रीज करेगी उसको हम इंडोर से आउटडोर में अटैच करेंगे। टैग द माउंट ऑफ द उसके बाद में इसको टेप से कवर करेंगे। रिमूव द वैल्यू नट्स उसके बाद में हम वाल की वाले नट को हटाएंगे। परफेक्ट वैक्यूम होल्ड वैक्यूम और फाइव मिनट उसके बाद में हम इसमें सेक्शन लाइन पे वैक्यूम की पाइप लगाएंगे और उसको कम से कम भी 15-20 मिनट के लिए वैक्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही हमारा 15-20 मिनट वैक्यूम हुआ तो उसके लिए हम इसको 5 मिनट होल्ड पे छोड़ देंगे ताकि इसमें हमें ये पता चल सके कि इसमें किसी भी तरह की कोई लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगी तो क्या होगा कि हमारा जो वैक्यूम है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ओपन द सर्विस वॉल रन द यूनिट उसके बाद में फिर सेक्शन लाइन को ओपन कर देंगे जिससे कि हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो उसके अंदर रन करना स्टार्ट कर दे। मेक द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिप्लेस वैल्यू नट्स एंड स्टार्ट द यूनिट चेक द टेंपरेचर एंड करंट सारा काम कंप्लीट करने के बाद में हम इसके वाल्व की जो हमारे सेक्शन और डिस्चार्ज के वाल्व के होते हैं उनको हम कवर करेंगे और उसके बाद में हम इसके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को चेक करेंगे। और जैसे ही हमारे साथ कुछ कंप्लीट हो गया तो इसको ऑन करने के बाद में हम इसको टेम्परेचर को चेक करेंगे कि हमारा जो पीसी हमने लूज कराया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका क्या है, T1 क्या होता है रूम टेम्परेचर, T2 कूलिंग पाइप टेम्परेचर। डिपेंड अगर आपका रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है और कूलिंग पाइप टेम्परेचर आपका 20 डिग्री आ रहा है तो T1 माइनस T2 तो आपका जो एसी है वो बिल्कुल करेक्ट वर्किंग कर रहा है।
इंस्टॉलेशन सर्किट एसी एयर कंडीशनर ट्यूबिंग, अगर हम कहीं पे भी सर्किट एसी इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें हर 6 मीटर के बाद में एक यू बैंड बनाना होता है। और यू बैंड हम कहां बनाते हैं, जहां पे हमारा आउटर यूनिट लगती है या फिर जहां से हम जो इंडोर से आउटडोर के लिए कॉपर ट्यूब अटैच होती है वहां पे। क्यों बनाते हैं यू बैंड, ताकि जो हमारी कैप्चर जब वर्क करती है तो इसके साथ में कुछ परसेंट मात्रा में ऑयल वर्क करता है। अगर वो ऑयल हमारे ओयूडी सिस्टम के अंदर चला जाए तो वो क्या करेगा, हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसको प्रॉपर पावर होने से रोकेगा। अगर वो पावर होने से रुकेगा तो क्या होगा, वो प्रॉपर ठंडा नहीं करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जहां पे यू बैंड लगा हुआ ये का ही स्टोर हो जाएगा ताकि हमारा कूलिंग सिस्टम प्रॉपर वर्क करता रहे। आर वाइस रिप्लेसमेंट ऑफ आर रेफ्रिजरेंट, आर वाइस रेफ्रिजरेंट नेम स्टोर इन द कूल एंड द रेजिनेट प्लेस, द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वुड बी 40 डिग्री। हमारी जितनी भी रेफ्रिजरेंट है अगर आप इसको 40 डिग्री के टेम्परेचर पे से ज्यादा पे रखोगे तो ये बाउंड होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये किसी भी सिलेंडर को आप गर्म स्थान पे रखोगे तो उसके अंदर ब्लास्ट होने का खतरा भी ज्यादा रहता है। साइन द नॉर्मल प्रेशर ऑफ आर 32 एंड आर 290 एंड द रिलेटिव फिगर देन आर 22। आर 32 और आर 290 के मुकाबले आर 22 का जो प्रेशर है वो काफी कम है। जो आर 32 और आर 290 रिएक्टेंट है उनका जो प्रेशर है वो काफी हाई है। कंपाउंड गेज शुड बी रेट द 550 psi। इसके लिए जो हमारा कंपाउंड गेज यूज होगा, जो बैकिंग गेज यूज होगा वो 550 psi होगा। प्रेशर स्केल इंच गेज, प्रेशर गेज शुड बी रेट अप 800 psi। जो हमारा 800 psi का जो गेज आएगा वो हाई प्रेशर लाइन केसों के लिए यूज होगा। चार्जिंग लाइन शुड बी हैव ए ब्रश प्रेशर ऑफ 2500 psi। जो हमारी चार्जिंग लाइन यूज होगी वो कम से कम भी 2500 psi प्रेशर के। विंडो एसी सर्विस, सर्विस दो प्रकार के होती है, ड्राई और वेट। ड्राई में क्या करेंगे, रिमूव फ्रंट कवर, सबसे पहले फ्रंट कवर को रिमूव करेंगे, हटाएंगे व्हील को, उसके बाद में फिल्टर को रिमूव करेंगे और नॉर्मल पानी से वॉश करके इसको वापस लगा देंगे। वेट, वेट सर्विस में हम क्या करेंगे, पूरा आप विंडो एसी को बाहर निकालेंगे और इसको बिल्कुल पानी के साथ प्रॉपर या वाशर के साथ प्रॉपर क्लीन करेंगे। एक द लीटर इन वाटर, चलते पानी से इसको वॉश करेंगे। ड्राई सर्विस में हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ नॉर्मल पेंट ब्रश से वॉश कर देंगे, साफ कर देंगे ताकि इसके ऊपर जो डस्ट जमी है वो क्लीन हो जाए। लेकिन वेट सर्विस के अंदर इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर वाशर से वॉश करेंगे ताकि इसके अंदर का जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो सारी रिमूव हो जाए। क्लीन द कूलिंग कॉइल, ड्राई में हम नॉर्मल ब्रश से इसकी कूलिंग कॉइल को वॉश करेंगे और वेट सर्विस में हम वॉशर से इसकी कूलिंग कॉइल को वॉश करेंगे। चेक एम्पियर, स्टार्ट द यूनिट, रन द 15 मिनट इन कूलिंग। पहले हम क्या करेंगे, एसी को 15 मिनट तक चलने देंगे, उसके बाद में इसका जो टेम्परेचर मोड है उसको हम 18 डिग्री सेल्सियस पे सेट करेंगे। यूज द कर्व मीटर टू चेक एम्पियर, और कर्व मीटर लगाएंगे ड्रॉ बाय द यूनिट और यूनिट को चेक करेंगे। एलेक्ट्रिसिटी एम्पियर ड्रॉ इज बी जो ऑफ द प्रोडक्ट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि दिए हुए डायमेंशन के हिसाब से, कि उसके ऊपर जो आपके एम्पियर मेंशन है वो प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहे तो आप क्या चीजें चेक करोगे, फर्स्ट आप चेक करोगे कि उसमें आपकी जो वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही, कहीं आपका कोई न्यूट्रल पॉइंट वीक तो नहीं है। क्लीनिंग का पहला स्टेप, क्लीनिंग के टाइम पे आप क्या करोगे, लोटो हो एनसीबी, ताकि आप जो एनसीबी है उसको बंद कर दोगे ताकि वो किसी भी तरह के शॉर्ट सर्किट में ना हो।
कवर हाफ ऑफ ऑल पीवीसी, बहुत सारे कमरे के अंदर जितने भी आपके इक्विपमेंट्स रखे हैं उसको आप पीवीसी से कवर कर दोगे ताकि उसके ऊपर किसी तरह का डस्ट ना जाए। क्लीन द फिल्टर, फिल्टर निकाल के गंदे पानी में वॉश करेंगे। ओपन द फ्रंट कवर, रिमूव द यूवी, और इसका फ्रंट कवर खोलेंगे, रिमूव द इलेक्ट्रिसिटी कवर, और इलेक्ट्रिसिटी कवर को ओपन करेंगे, लोकेट एंड रिमूव द जेसी स्क्रू, जो हमारे सप्लिंग एसी के ऊपर जो कवर लगा हुआ है उसके हम ड्राइवर सारे ओपन कर लेंगे, जो नट ड्राइवर है स्क्रू ड्राइवर है उनको सारे को ओपन कर लेंगे ताकि हम उसके कवर को रिमूव कर सकें। रिमूव द कवर जेसी, क्लीन द ब्लोर विद ब्रश, पहले हम ब्रश के साथ अपने ब्लोर को वॉश करेंगे ताकि उसके ऊपर जितनी भी जो डस्ट है उसको हम रिमूव कर सकें। रिमूव द डस्ट विद वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर में से हम सारी डस्ट को अपने अंदर रिमूव कर लेंगे। फिक्स ओपन टाइप क्लीनिंग कवर एंड क्लीन द कूलिंग विद वाटर, और इसको लिफाफे या कवर से कवर करके प्रॉपर पानी से वॉश करेंगे। वाइप विद क्लॉथ एंड विजिबल, और इसको कपड़े से साफ करके दोबारा वापस लगाएंगे। इन द कंडेंसर कॉइल सप्लीट एसी सन ए विंडो एसी, जैसे आपने विंडो एसी की जो कंडेंसर कॉइल है उसको साफ किया था उसी तरह आपने पावर यूनिट की कूलिंग कॉइल को भी साफ करना है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडेंसर फिल्स, अगर कहीं से आपकी फिल्स बुरी हुई है तो आप उसको फिक्स फॉर्म से सीधा करो। जैसे भी आपने इसकी सर्विस की है तो उसके बाद में आपने इसमें क्या चीज चेक करनी है कि आपका एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसमें आप T1 रूम टेम्परेचर और T2 ग्रिल टेम्परेचर दोनों चेक करोगे। अगर T1 और T2 में 10 डिग्री का डिफरेंस है तो आपका एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है।